सो हेलो फ्री फायर लवर्स, कुछ दिन पहले मेरा खुद का फ्री फायर आईडी ब्लैकलिस्ट हो गया था। मेरा मैच मेकिंग नहीं हो रहा था, बहुत देर बाद ऑटोमेटिकली कट हो जा रहा था, लेकिन मैच स्टार्ट नहीं हो रहा था। एंड उसी के साथ साथ मैं किसी के भी ग्रुप में जाने का ट्राई कर रहा था, तब दोस्तों कुछ इस तरीके का एरर आ रहा था जिसपे लिखा हुआ होता था दिस टीम कॉन्टेंट सस्पिशियस प्लेयर अंडर इन्वेस्टिगेशन अनेबल टू ज्वाइन दिस टीम। तो ये एरर आता था और मैं किसी के भी ग्रुप में नहीं जा पा रहा था। एंड मैं ट्रेनिंग खेलता था, मतलब ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा था, तो वहां पे भी दोस्तों एक भी एनिमी नहीं आता था। मैं अकेला ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाता था, कोई में आता ही नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा आईडी ब्लैकलिस्ट से हट चुका है और अभी मैं किसी के भी ग्रुप में जाने का ट्राई करता हूं तो मैं इजीली किसी के भी ग्रुप में चला जाता हूं, मतलब कि कोई एरर नहीं आ रहा। एंड मैं ट्रेनिंग खेलने के लिए जाता हूं तो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर भी मेरे को बहुत सारे बंदे मिलते हैं जिससे, मतलब कि जिनके साथ मैं ट्रेनिंग कर सकता हूं। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों मेरा बीआर मैच भी स्टार्ट हो रहा है, खेल पा रहा हूं, मतलब सब कुछ ओके है। तो गाइस अभी के टाइम पे बहुत से लोगों का बिना वजह आईडी ब्लैकलिस्ट हो रहा है और मेरा भी ऐसे ही ब्लैकलिस्ट हो गया था। पता नहीं क्यों हुआ था, शायद से मेरे टीम में हैकर आ गया था और इस वजह से मेरा आईडी ब्लैकलिस्ट हुआ था। तो मेरा जो आईडी है वो ब्लैकलिस्ट से हट गया, बट बहुत सारे लोगों का आईडी ब्लैकलिस्ट से नहीं हट रहा, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि आईडी को ब्लैकलिस्ट से हटाने के लिए क्या करना होता है और जाने अनजाने में कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं और फिर उनका आईडी बहुत दिनों के लिए ब्लैकलिस्ट में ही रह जाता है, वापस ही नहीं आता। और अगर आपका भी आईडी ब्लैकलिस्ट हो गया है, 2-5 दिन मतलब कि बीत चुका है और आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो, आपका आईडी ब्लैकलिस्ट से नहीं हट रहा, तो और टेंशन मत लो, तुम्हारा परेशानी तुम्हारा भाई दूर करने वाला है। और इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का आईडी ब्लैकलिस्ट हो गया था और उसको मैंने वापस ठीक भी कर लिया, तो तुम्हारा क्यों नहीं ठीक करवा सकता मैं। तो अगर आपने सच में कोई हैक यूज नहीं किया था और आपका आईडी ब्लैकलिस्ट हुआ है तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका जो आईडी है वो ब्लैकलिस्ट से हट जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन 100% काम हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है बट आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करना। ये मत सोचना कि अरे कितना ज्यादा बकबक कर रहा है भाई, इससे मेरा काम होगा कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर आईडी ब्लैकलिस्ट क्यों होता है। जिसके साथ ये सीन पहली बार हो रहा है वो लोग कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप हैक यूज करते हो, गेम के अंदर कोई हेडशॉट है या फिर उड़ने वाला या फिर दीवार के आर पार देखने वाला, आर पार मारने वाला, ऐसा कुछ भी है, मतलब कि आप नॉर्मल एक्टिविटीज करते हो गेम में हैक वगैरह यूज करके, तो आपका जो आईडी है वो ब्लैकलिस्ट में चला जाता है। तो अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा बात है तो फिर मैंने तो कोई हैक यूज किया ही नहीं था तो मेरा आईडी ब्लैकलिस्ट क्यों हुआ। तो क्या सीन होता है मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोगों को पता नहीं होता है, वो लोग खुद हैक यूज नहीं करते हैं बट हैकर को अपने टीम में ले लेते हैं और उसके साथ रैंक पुश करते हैं, गेम खेलते हैं, तो इससे आपका आईडी ब्लैकलिस्ट होता है। या फिर क्या होता है, हैकर को आप खुद से अपने टीम में नहीं लेते हो लेकिन आप रैंडमली जब मैच खेलते हो वो ऑटोमेटिकली रैंडमली आपके टीम पे कोई हैकर आ जाता है, तो इससे भी आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाता है। उसी के साथ साथ दोस्तों बहुत सारे रीजन होते हैं आईडी ब्लैकलिस्ट होने का, जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपना आईडी को अपने फोन में लॉग इन करके रखते हैं, अपने दोस्तों के फोन में भी लॉग इन करके रखते हैं, एंड कभी वो आता है ऑनलाइन, कभी ये आता है ऑनलाइन, और सभी लोग एक ही आईडी पे रैंक पुश करते हैं, गेम खेलते हैं, तो इससे आपका आईडी ब्लैकलिस्ट होता है। और बहुत सारे लोग वीपीएन भी यूज करते हैं, तो अभी के टाइम पे दोस्तों वीपीएन यूज करने से भी आईडी ब्लैकलिस्ट हो रहा है। कोई कोई नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड करके उसमें गेम खेल रहा तो उसमें भी मतलब कि यार आईडी ब्लैकलिस्ट हो जा रहा है। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों आप गेम में बहुत ही ज्यादा गंदा गंदा गाली वगैरह देते हो, गाली गलौज करते हो और आपका आईडी पे अगर रिपोर्ट पड़ता है तो इससे भी आपका आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाता है भाई। तो यही सब रीजन होता है दोस्तों आईडी ब्लैकलिस्ट होने का। बाकी अगर आपका आईडी ब्लैकलिस्ट हो गया है मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती किया है इनमें से और उसी का आपको पनिशमेंट मिलता है, आपका आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाता है कुछ दिनों के लिए। और आईडी को ब्लैकलिस्ट से हटाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनना, और उसको अपने मतलब आईडी पे आपको अप्लाई करना है और थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन 100% आपका आईडी ब्लैकलिस्ट से हट जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो अपने आईडी को ब्लैकलिस्ट से हटाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो आईडी है उसको कुछ टाइम के लिए ऑफलाइन छोड़ दो, गेम में लॉग इन ही मत करना कम से कम 1 दिन तक, 12-13 घंटे के लिए अपने आईडी को ऑफलाइन रख दो। इसके बाद दोस्तों आपको ऑनलाइन आना है और दोस्तों आपको मतलब कि 30-40 गेम खेलना है, 1 दिन में नहीं खेल पाओगे तो 2 दिन में आप खेलना, आपको 30-40 गेम खेलना है जो जो आपका चलेगा, जैसे कि लोन वोल्फ चल जाएगा, अब बरमूडा क्लासिक वाला चल जाएगा बिना रैंक वाला, 30-40 मैच दोस्तों आपको पूरा फेयर तरीके से खेलना है। ऐसा कुछ भी मत करना जैसे कि आपका आईडी पे रिपोर्ट पड़े, जैसा कि बहुत से लोग टीम अप करके मार देते हैं या फिर मतलब कि हैकर्स को अपने टीम में लेके खेलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना आपने, मतलब कि आपको पूरा फेयर तरीके से खेलना है गेम को और आपको वीपीएन वगैरह यूज नहीं करना है, आप नॉर्मल फ्री फायर में मत खेलना, आप फ्री फायर मैक्स जो अभी इंडिया में मतलब अवेलेबल है उसी को खेलना। तो 30-40 मैच खेल लेने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद नीचे एक साइड दोस्तों यहाँ पे आप देखना सर्वर, मतलब कि यहाँ पे कस्टमर सर्विस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है कस्टमर सर्विस पे। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा लॉडिंग जैसा चलेगा, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना प्रोफाइल आपको दिखेगा, यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे बीच वाला यहाँ पे आप देखना सबमिट रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपको एक बॉक्स टाइप का देखने को मिल जाएगा, इस बॉक्स पे आपको कहीं पे भी टैप करना है। टैप करते यहाँ पे आप बहुत सारा ऑप्शन, मतलब कि प्रॉब्लम के बारे में,
हमें यहाँ पे अपील कर सकते हैं, जैसे कि आपका पेमेंट वगैरह नहीं हो रहा है, कुछ बग वगैरह है, नेगेटिव डायमंड्स वगैरह कुछ भी, मतलब बैन अपील वगैरह, तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो हमें गेम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जैसे कि, तो यहाँ पे हमें गेम कॉन्सर्न पे यहाँ पे हमें मतलब कि सिलेक्ट कर लेना है इसको, और इसके बाद अपना आप दोस्तों यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे UID वगैरह ले लेगा, गेम का निक नेम वगैरह ले लेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली इसके बाद आपको इस वाले बॉक्स पे आपको कहीं पे भी टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे मतलब कि आपको पूछ रहा है क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारा है जैसे कि इवेंट इशू, मिसिंग आइटम्स, कुछ मतलब कि आपका आइटम गायब हो जाता है जैसे कि गन स्किन वगैरह खो जाता है, अपने आप हट जाता है, तो सब अपील आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा मैच वगैरह स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आप देखते हो टेक्निकल इशू, कनेक्शन मेकिंग, मतलब ये सब हमें प्रॉब्लम आ रहा है, मैचिंग प्रॉब्लम। तो इसके ऊपर हम सिलेक्ट कर लेंगे टेक्निकल इशू लास्ट वाला को, एंड इसके बाद सिंपल यहाँ पे एक टिक का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद फ्री फायर मैक्स को आप सिलेक्ट कर लेना, और फ्री फायर मैक्स में आप करना, अगर आप नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड करके कर रहे हो, खेल रहे हो गेम, तो उस पर मत करना, फ्री फायर मैक्स को डाउनलोड करना, उसमें खेलना, उसमें करना सब कुछ भाई। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और आपको टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको और एक बार क्लिक करना है इस वाले बॉक्स पे। इस वाले बॉक्स पे आपको क्या करना, आप कौन सा सिम कार्ड यूज़ करते हो, जियो, रिलायंस, वोडाफोन, एयरटेल, आप कौन सी कंपनी का नेटवर्क यूज़ करते हो, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं एयरटेल का नेटवर्क यूज़ करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे इस पर टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद यहाँ पे प्राइवेसी पे भी टिक कर देना है, एंड इसके बाद यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में लिखा है, आपको यहाँ पे इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता तो आप सेम टू सेम इसी को स्क्रीनशॉट ले लो, एंड आप भी कॉपी पेस्ट कर देना, आपको नोट वगैरह कर लो कॉपी वगैरह में, एंड इसी को आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा है, डियर फ्री फायर टीम, आई वेन गो टू ट्रेनिंग ग्राउंड, देन 1-2 प्लेयर्स आर कमिंग, मतलब कि मैं ट्रेनिंग ग्राउंड जाता हूँ तो वहाँ पे मुश्किल से एक दो बंदे आते हैं। वही चीज़ मैंने इंग्लिश में लिखा है, मतलब कि जो मतलब कि प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कि सस्पिशियस प्लेयर वाला, वो वाला मतलब कि प्रॉब्लम आ रहा है, वो चीज़ एरर आ रहा है, वो भी मैंने लिख के रखा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है, सर आई हैव नॉट यूज एनी हैक और डिड नॉट प्ले विथ हैकर्स, मतलब मैंने कोई हैक को यूज़ नहीं किया है, एंड मैंने हैकर्स के साथ भी गेम मतलब कि नहीं खेला, मतलब अपने टीम में लेके फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये सिर्फ मैंने इंग्लिश में लिखा है, मतलब आप उसको समझदार हो भाई, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो मतलब उसी चीज़ को मैंने इंग्लिश में लिखा है, एंड आपको भी लिखना है। अगर आपको नहीं आता इंग्लिश उतना, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो एंड कॉपी वगैरह में कहीं पे भी लिख लो, और जब आप करोगे तब आप इस चीज़ को आप भी अप्लाई करना। तो बाकी इधर सही वगैरह टिक वगैरह कर दो, एंड यहाँ पे ऐड फाइल आप देख रहे हो, यहाँ पे सिंपली क्लिक करके आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है गेम के अंदर, जो मतलब एरर आ रहा है वहाँ पे ग्रुप में जाते टाइम, उसका स्क्रीनशॉट दोस्तों यहाँ पे आप ऐड कर देना। एंड स्क्रीनशॉट को यहाँ पे ऐड कर लेने के बाद दोस्तों सिंपली दोस्तों यहाँ पे एक देख सकते हो, यहाँ पे सबमिट का बटन है, सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। एंड आप देखते हो यहाँ पे मेरा जो रिक्वेस्ट है सबमिट हो चुका है, आप देखते हो सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है। तो इतना कर लेने के बाद दोस्तों फ्री फायर वाले आपका जो रिक्वेस्ट है वो देखेंगे और आपका गेम प्ले भी ऑब्जर्व करेंगे, इसीलिए मैंने आपको बोला कि 30-40 मैच आपको खेलना है, वो आपका गेम प्ले भी चेक कर सकते हैं। बाकी इतना करने से ही दोस्तों आपका आईडी ब्लैकलिस्ट से हट जाएगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा 30 दिन तक का, और मेरे को खुद 30 दिन का वेट करना पड़ा था। बस यही ट्रिक है, जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है 30 दिन तक आप वेट करो, उस बीच आप जितना भी हो सके आप नॉर्मल अच्छा गेम प्ले करना, आप डेली आओ, 2-3 लोन वोल्व खेलो, एक क्लासिक खेलो सोलो में, एंड आप अपने आईडी को ज्यादातर ऑफलाइन ही रखना जब तक आपका ठीक नहीं हो जाता। और मैं आपको गारंटी देता हूँ 30 दिन के बाद आपका ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। बाकी वीडियो से देखता, पसंद आया लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होते सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।